श्री सत्यनारायण मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन में होलिका महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य बनवारी प्रसाद शास्त्री ने होली पर्व की महत्ता के बारे में बताया। इस दौरान भक्तों की ओर से फूलों की होली खेली गई, जिसमें इलाके के सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर मंदिर की स्त्री सत्संग सभा की सदस्य सुमन पाठक, निर्मल शर्मा, किरण मिन्हास, रानी सुशीला, श्रद्धा बिमला, देविका राधा, किरण, मंजू, शमा, पूनम, मीना, रुचिका, सुदेश, त्रिशला, पूनम आहूजा, मधु, सपना, श्रुति, मोनिका, कामिनी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। करुणामयी, कृपामयी और दयामयी कृपा से ये होली महोत्सव का जो त्योहार है आज हम सब ने बड़े धूमधाम से सत्यनारायण मंदिर में मनाया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रंगारंग फूलों की होली के साथ में ठाकुर जी के चरणों में बैठकर के सभी प्रवक्तों ने होली मनाई। प्रभु के चरणों में प्रार्थना की सभी के जीवन में ठाकुर जी के रंग सभी के आंतरिक और शारीरिक रूप में सभी को ठाकुर जी के रंग खूब रंगों से सरोवर करें, ताकि सभी को भक्ति का रंग चढ़े, सभी के ऊपर ठाकुर जी की बड़ी अनुपमता बनी रहे। करता हूँ हलचल चैनल का, जो हमारी सभी छोटी बड़ी गतिविधियां पूरे सनातन परिवार तक, पूरे देश में, पूरे विदेशों में और सभी प्रभक्तों तक पहुंचाते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस हलचल चैनल का, जिसके द्वारा हमारी सभी गतिविधियां सभी प्रभक्तों तक पहुंच जाती है। और श्री शीतल जी, जो हमारे उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ के संचालक भी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो सनातन के प्रति उनका ये जो बड़ा उन्होंने कार्य उठाया हुआ है, उसको संपन्न करने में बराबर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा।